हेलो दोस्तों, दिस इज़ रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। हमारी ना गाड़ी में से एक चलते हुए अजीब सी आवाज़ आती है जब हम गाड़ी चलाते हैं, खास करके जब कोई प्लेन बैठा हो, जब और तेज़ आवाज़ होती है वो, जब पहिया गाड़ी आप मिड रेंज पर चलाएंगे या स्लो चलाएंगे तो एक अजीब सी कट 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 जैसे उंगलियाँ चटकाने की उस टाइप की आवाज़ आती है। तो वो किस चीज़ की आवाज़ है? अब बहुत से क्या करते हैं, उसका बैरिंग चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर लेते हैं, पॉकेट का बैरिंग चेंज कर लेते हैं, जब भी आवाज़ नहीं आती। और जब आप खड़ी गाड़ी में घुमा के देखेंगे टायर को स्टैंड लगा के, जब तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, बट चलते हुए वो आती है अगर आप बैठे हुए या प्लेन कोई बैठा हुआ है। तो आज ये इसी के ऊपर वीडियो है कि उसको कैसे सही करें। तो आइए बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों, अभी मैंने बाइक स्टैंड पर लगा रखी है और मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अभी देखिए, व्हील ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं है, नॉर्मली चैन की आवाज़ आ रही है, बस देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ना कोई जाम है ना कुछ, बिल्कुल स्मूथ, कोई आवाज़ नहीं इसके अंदर। बट अब मैं गाड़ी स्टैंड से उतार के अगर मैं चलाऊंगा इसको, मैं दिखाता हूँ आपको स्टैंड से उतार के, और पैदल पैदल चलाते हैं क्योंकि चलती गाड़ी पे भी आवाज़ माइक में इतनी आनी पाएगी क्योंकि इंजन का शोर बहुत हो रहा होगा और साइलेंसर की आवाज़ होती है, तो चलती बाइक पे इतनी आवाज़ नहीं आएगी। आइए इसको बाइक को पैदल पैदल चला के दिखाता हूँ और आवाज़ सुनिए कि आवाज़ इसमें कैसी आ रही है। तो दोस्तों, मैंने इसमें माइक वहाँ लगा दिया, अब इसको पैदल पैदल चलाते हैं। मुझे यहाँ तक आ रही, होप आप भाइयों की आवाज़ आ रही होगी इसके अंदर। देखिए, कोई उंगलियाँ चटकने की आवाज़ आ रही है इसके अंदर, बस चट चट। तो आइए इसको बताता हूँ कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये स्पोक्स टाइट करने की चाबी होती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 6-7 नंबर की चाबी ले सकते हैं, 6-7 की, तो 7 नंबर की चाबी से इसका हो जाता है। आइए, तो मैं इसको अभी स्टार्ट हम क्या करेंगे, देखिए इसकी यहाँ देखेंगे जहाँ एयर डालने की जो मशीन इसका है नल की, अब इसको टाइट करेंगे हम। अब देखिए, कुछ कुछ तिल्लियाँ ज़्यादा ढीली हो सकती हैं, देखिए अब इसको ढीली तो है, बट मैं इसको काउंट करूँगा, दो दो पॉइंट टाइट करूँगा बस, जैसे ये 1-2, इतना इतने टाइट करनी, ताकि अगर हम ये वाली टाइट कर देंगे तो क्या होगा, खाली इस पे प्रेशर आ जाएगा तो वहाँ से नहीं हो पाएगी। दो दो पॉइंट टाइट करेंगे, 2-2, इससे क्या है हमारा, ये तो कुछ ज़्यादा ही ढीली है तो इसको मुझे थोड़ा ओवर टाइट करना पड़ेगा। बस ये याद रखिएगा, फोर्स आपका बराबर है, कोई कोई तिल्ली तो बिल्कुल ही ढीली हो गई है। चलिए, शुगर एक तो टाइट मिली, तो कैसे बोलें।
तो दोस्तों फाइनली सारे स्पोक्स मैंने टाइट कर दिया है और माइक मैंने दोबारा वहीं लगा दिया। आइए इसको स्टैंड से उतार के मैं चला के देखता हूँ कि अब आवाज़ आपको सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ चल रही है बाइक। और दोस्तों इसके बाद आपको अलाइनमेंट ज़रूर करानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बस ये मैंने बताया कि आवाज़ इस चीज़ की है, कोई आवाज़ नहीं है अब इसके अंदर। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे इसको सही करना है, स्पोक्स टाइट करके ये हमारी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है, आपने देख ही चुके हैं। दोस्तों एक दो चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, 100 में से 80% गाड़ियों की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ जब आप गाड़ी गड्ढे में एक फोर्स आता है, जब गाड़ी आप भी बैठे हुए सामान भी होता है, बाइक का भी वेट है, तो जब भी गड्ढे में जाके फोर्स आता है तो कहीं ना कहीं से रिम बैंड हो जाता है। जहाँ से बैंड होगा वो स्पोक्स वहीं से लूज़ हो जाएगी, ये नहीं कह रहा कि पूरा बैंड होगा, थोड़ा बहुत बैंड होती है स्पोक्स वहाँ से लूज़ हो जाएगी, उसका टेंशन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो वो वक्त के तौर पर अपने आप मतलब दूसरी तीसरी सर्विस पर आपको अलाइनमेंट चेक करानी चाहिए, स्पोक्स टाइट करवानी चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी में रिम है तो आज ही उसको चेक करिए। अगर आवाज़ नहीं भी आ रही तो भी आपको उसको चेक करना ज़रूरी है कि स्पोक्स लूज़ तो नहीं है, तो इस चीज़ को आप जल्द से जल्द करिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैं लास्ट में जाते जाते एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत सारी बार क्या होता है, आप मुझसे सवाल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ बिकॉज ऑफ आप भी जानते हैं कि मैं शॉप पे भी रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। तो उस चीज़ की मैं दिल से अपने माफ़ी मांगता हूँ आपसे, सॉरी इसके लिए कि मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, मैं और मेरी टीम ने, कि हम हफ्ते में एक दिन वो डिसाइड कर लेंगे कौन से दिन है, मैं नेक्स्ट एक दो वीडियो बाद बता दूंगा कौन से दिन है। एक से डेढ़ घंटे के लिए मैं लाइव आया करूंगा आप भाइयों के लिए, उसमें खाली आप भाइयों के क्वेश्चन के आंसर दिया करूंगा। आपका भाई आपका दोस्त 24/7 आपके लिए हाजिर है, कोई अगर छोटी मोटी गलती हो जाए करे तो प्लीज़ उस चीज़ को अंदाज करके माफ़ कर दिया करिए। तो दोस्तों इंतजार करिए, नए वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। स्पेसिफिक था स्पेसिफिक, तो उससे कैसे आपको उससे देखा होगा आपने कि जब आप अकेले चल रहे हैं तो कभी इसके बाद क्या करूँ। हाँ कि आपका भाई आपका दोस्त रम्मी राइडर क्या चल चलाऊंगा और दिखाऊंगा आपको, आवाज़ सुनाऊंगा दिखाऊंगा नहीं सॉरी। तो अभी मैं इसको पैदल उतार के सारी खुली पड़ी क्यों बना रहे हो, तो एक राउंड तो हो। तो दोस्तों इसको अगर जो 100 में से